देखिए हम लोग विजय भैया का घर पहुंचने ही वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देते हैं जहां जिसके लिए भैया बहुत ही फेमस है। यहां का जो पहाड़ है वो बहुत ही खूबसूरत है और देखिए यहां का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। इधर देखिए खेत उत लगा हुआ है और जंगल भी है। तो चलिए बस कुछ ही देर दूर में है भैया का घर, तो हम लोग बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का 12 बज रहा है और अभी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग, तो क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं विजय रिया के घर क्योंकि उनका बेटा का देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग होने वाला इंटरेस्टिंग, तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए और रास्ते में आप लोग को दिखाते जाएंगे किधर से हम लोग जा रहे हैं। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। करा लिए हैं बाबू के लिए। आ रही है तो अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ फाटक बंद है ये देखिए, और बस यही है घर विजय भैया का, तो हम लोग बस यहाँ उतरेंगे। देख लीजिए माल गाड़ी है ना, कोयला नहीं। खूबसूरत है यहाँ का पहाड़ और लगता पार्टी यहीं पर हुआ था। तो ये रहा सपनों का घर, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड देखिए हम लोग आ गए हैं विजय भैया के घर में। तो आप सभी लोगों को जोहार मेरी ओर से। और इधर एक और भैया मिल गए हैं, हाँ यूपी के हैं, नाम हम भूल जा रहे हैं। तो देखिए दोनों यूट्यूबर मिल गए हैं और बहुत ही खुशी मिल रहा है। बस देखिए चैनल को फॉलो करिए, ऑटोमेटिक मतलब अपने प्लस नॉलेज मिलेगी, किन किन का वीडियो देखिए ना आवाज आएगी। तो जिनको हम पूरा अपना आइडियल समझते थे और वही वो शख्स है जिनको हम पूरा आइडियल समझ कर यूट्यूब में आए हैं। तो देखिए वही वो भैया है और इनका तो बाबू हुआ है, तो आप लोग सभी को पता है तो हम लोग बाबू से ही मिलने के लिए आए हैं। तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भैया। चलिए थैंक यू। बाबू विराट के लिए उनका नाम भी पता हो गया है। मेहनत करना हो जाए। तो हम लोग तो खैर पार्टी में नहीं आ पाए, आने के लिए चाह रहे थे लेकिन आए नहीं। हम लोग आप चले गए थे, मेरे हस्बैंड है हाँ, तो उन्हीं को लेकर के हम लोग रांची चले गए थे मेडिकल का हाँ, तो इसलिए हम लोग आ नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी चले आ गए। तो उधर आते तो इतना बात भी नहीं होता, इतना बिजी थे हम लोग से मिलने का टाइम नहीं। सारा वीडियो हम लोग देखे हैं भैया, एकदम भैया को इधर खींच रहा और भैया उधर देख रहे कि कहाँ कमी क्या कहीं बाकी है। अकेला आदमी है ना, आप लोग समझ सकते, सब कुछ भैया अकेले संभाले हैं टोटल चीज, समझ गए ना। तो इसी तरह से भैया भी बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं और आप भी ऐसे मेहनत करते रहिएगा, ताकि जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा टाइम दीजिएगा। यूट्यूब से सारा कुछ सीख सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने का, जब आप खुद से चाह लीजिएगा ना तो आप ए टू जेड यूट्यूब से सीख लीजिएगा पूरा। सभी लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं क्योंकि इसका कोई कॉल। चलिए बाबू से मिल लेते हैं। और इधर देखिए भैया भाभी भी है और इधर विजय भैया है और ये अंकल भी है। देखिए अंकल भी बहुत सारा काम करते रहते हैं। चलिए इधर बाबू सो रहा है, आइए देखते हैं इधर। हाँ बाबू भी बहुत सोएगा और बिल्कुल विजय भैया जैसा है ये। तो छोटा सा गिफ्ट लेके आए थे हम बाबू के लिए, तो भाभी लीजिए बाबू को पहनाइएगा जरूर, है ना। चांदी चांदनी भी आप जानते हैं उनका खाना बटेगा। अब जब भी कुछ आएगा ना चांदनी, तो बाबू ले लेगा आधा लूं तुम्हारे लिए भी चिप्स डाल ले जाओ।
की सब खुशी एक ही पल आती है ये तो हमारा जो परिवार वो भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ही सबसे बड़ी बात है। चांदनी हुई थी तो हमारे पास उतना कुछ था नहीं, शुरुआत था, लक्ष्मी आई थी ना, धीरे धीरे सब कुछ आने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लाइट नहीं है तो काफी परेशानी हो रहा है। कल बारिश हुआ था ना, और भाभी को देखिए कितना खूबसूरत लग रही है आज, ब्लू कलर का साड़ी में गोरी है ना। तो अब सुंदर सा ये पलंग है, ये पलंग हमको बहुत पसंद आया। आप लोग कमेंट करके बताएगा किनको किनको पसंद आया। हमको बहुत पसंद है, कहाँ लिए थे, पानी डाल दिए। हाँ, को हम लोग घर भी थोड़ी ना रहता है, सही रहता है, पानी डालती है। देखिए अब इतना अच्छा वो वाला रूम, कितना उधर किचन भी बना लिए है, उधर बर्तन सर्तन रखने का स्टैंड भी है। हाँ, और दिखा देते हैं, ये देखिए ये रहा वॉशरूम बाथरूम, ये देखिए कितना खूबसूरत है, इधर बाथरूम भी है, पेड़ा ये देखिए, और कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा कलरफुल। और उससे भी सारे गेस्ट चले गए ना, तो हम लोग पार्टी में आना चाह रहे थे लेकिन हम लोग किसी नहीं जानते, मेरे सास को बहुत तबियत खराब था तो उनको रांची ले जाना पड़ा था मेडिकल, कल लाए फिर 15 दिन के बाद फिर ले जाना, थोड़ा सा उनको ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो इस कारण हम लोग नहीं आ पाए। वरना आने के लिए तो हम लोग बहुत खोज रहे थे, पर कोई बात नहीं, हम लोग को बाबू से मिलना था, हम लोग मिल लिए, क्यूट सा है, छोटा सा है। आप लोग बहुत सारा उनको बधाई दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। तो फ्रेंड हम लोग अब हम लोग विजय भैया से और बाबू से मिल लिए, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आपको छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अगर यदि अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।